भेजते रहिए, कबूल है। या अल्लाह, निकाह तेरे रसूल की सुन्नत है, यहां आए हुए सभी लोगों पर तेरी रहमत और करम फरमा। तनवीर बानो बिन्त दानिश खान, क्या तुम्हें अरशद अहमद खान वल्द मरहूम राशिद अहमद खान से निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है। कबूल है, कबूल है। असद अहमद खान वल्द मरहूम राशिद अहमद खान, क्या तुम्हें तनवीर बानो बिन्त दानिश खान से निकाह कबूल है? कबूल है, जवाब दीजिए, क्या आपको यह निकाह कबूल है? कबूल नहीं है। और ना ही कभी होगा।
तुम हार गई तनवीर, कुछ नहीं हासिल होगा तुम्हें। ये रहा तुम्हारे गुनाहों का सबूत। पास हमारे खिलाफ कोई रिकॉर्डिंग नहीं। अगर होती ना बाजी, तो एक बात आपको अच्छे तरीके से पता होती कि हमने राशिद मियां के पेट में नहीं, बल्कि उनकी पीठ पर चाकू को पता, पीठ पर चाकू को पता, पीठ पर चाकू को पता। अपने आप को बहुत बड़ी खिलाड़ी समझती हो तो, लेकिन शायद तुम ये भूल गई कि दिमाग से खेलने वाला चाहे एक बार के लिए जीत भी जाए, लेकिन आखिर में जीत दिल से खेलने वाले की होती है। हमारे पूरे घर को तोड़ने की कोशिश की ना तुमने, और आज देखो हमारी पूरी फैमिली ने मिलकर तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी। ये है तुम्हारी असली औकात। रही बात मेरे और मिस्टर खान ने दूरियां बढ़ाने की, तो उसके लिए तुमने क्या क्या नहीं किया, किस हद तक गिर गई तुम। लेकिन तुम नहीं जानती तनवी, तुम तो क्या, इस दुनिया में कोई भी मेरे और मिस्टर खान में दूरियां नहीं ला सकता। किसे समझा रही आप, इसे? इसे दोस्ती के मायने कभी समझ में नहीं आए, उसे प्यार के मायने क्या समझ आएंगे। सबसे करीबी दोस्त माना था मैंने, और तुमने क्या किया, दोस्ती के नाम पर हम सब की पीठ में खंजर भोंका है तुमने। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे प्यार करूंगा, निकाह करूंगा तुमसे। तुम्हारे नाम से भी नफरत है मुझे, तुम्हारे इस खिलौने चेहरे से भी नफरत है मुझे। राशिद को मारने के बाद तुमने सोच कैसे लिया कि तुम असद से निकाह कर सकोगी। तुम असद, चाहे जो हो जाए इस डायन को मत छोड़िएगा। इस औरत ने आपके अब्बू की जान ले ली, किस तरह की चुड़ैल है आप। उनकी पीठ में छुरा भोंकते वक्त आपके हाथ भी कांपे। इंस्पेक्टर साहब, यही है मेरे अब्बू की कातिल। इस घर से घसीटते हुए ले जाइए, गिरफ्तार कर लो इसे। जिंदगी तो जेल में तिल तिल करके मरोगी, लेकिन इस घर के लिए तुमने इतना कुछ किया, तो जाते जाते इस घर की तरफ से मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूं। तनवीर को धोखा देना इतना आसान नहीं है सोया, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, याद रखना हमारी बात को। और जो तुमने हमारे इस चेहरे पर थप्पड़ मारा है ना सोया, याद रखना।
इसका एहसास तुम्हें पूरी जिंदगी रहेगा। छोड़ेंगे नहीं, हम तुम सबसे बदला लेने आएंगे, सबसे बदला लेने आएंगे, एक एक को चुन चुन के मारेंगे। सुना तुम सबने, एक एक को चुन चुन के मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं तुम सबको। बैठिए अम्मी, आपको तो रूम में आराम करना चाहिए था, क्यों आ गई आप? मिस्टर खान, जानती थी अब्बू आप जरूर आएंगे। अब्बू हम सब ने आपको बहुत मिस किया। हमने भी आपको मिस किया। सारे सबूत, सारे गवाह हमारे खिलाफ थे, लेकिन तुमने इतनी मुश्किल से हकीकत का पता लगाकर हमें रिहा करवाया। हम किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करें? कोई एहसान नहीं किया आप पर। मैंने जो कुछ भी किया वो अपने फैमिली की खुशी के लिए किया। आज आप रिहा है सिर्फ और सिर्फ जोया की वजह से। हम सब ने तो आपको गुनहगार मान लिया था, लेकिन जोया को भरोसा था कि आप बेगुनाह हैं। मैं जानती थी वो आप बेगुनाह हैं। मैं जानती थी कि आप किसी का कत्ल नहीं कर सकते। जानती थी मैं। मेरी बच्ची, जो तुमने हमारे लिए किया है उसका एहसान तो हम मरकर भी नहीं चुका सकते। मैंने सिर्फ बेटी होने का फर्ज अदा किया है। बेटी होने का फर्ज। तुमने अपना फर्ज निभाया बेटा, अभी हमें अपना फर्ज निभाना है, सबके सामने अपने गुनाह कबूल करके। हमने भले ही ये गुनाह नहीं किया है, लेकिन हमने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों को दुख पहुंचाया। हमारे गुनाहों का सिलसिला तब शुरू हुआ था जब 17 साल पहले राशिद मियां ने गुड़िया फैक्ट्री में आग लगाई थी। उस आग में राशिद की जिंदगी के साथ साथ
बहुत सी जिंदगियां झुलस गई थी। हैदर की भी, वो फैक्ट्री हैदर के अब्बू की थी। फैक्ट्री में आग लग जाने की वजह से वो सदमे में आ गए और उनका इंतकाल हो गया। उन्हीं के गम में हैदर की अम्मी ने भी खुदकुशी कर ली। लोग ये समझते थे कि वो एक हादसा था, लेकिन असल में वो एक हादसा नहीं था। वो सब कुछ हमने कराया था। हम समझ सकते हैं इधर कि तुम्हारे दिल में हमारे लिए इतनी नफरत क्यों है। अगर हम भी तुम्हारी जगह होते तो तुमसे इतनी नफरत करते। लेकिन एक गुजारिश है तुमसे, हमारे गुनाहों की सजा हमारे बच्ची को मत दो और ना ही किसी और को। हमने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है, तुम जो चाहे हम सजा दे सकते हो। आपने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया, मेरे अम्मी अब्बू, मेरी जिंदगी छीन ली। मेरे सीने की हर धड़कन ने आपसे नफरत की है और मेरी हर सांस आपसे बदला लेने के लिए तड़पती रही। मैंने सोचा कि मैं आपको जेल भिजवा दूं, लेकिन वो तो बहुत ही कम होता। फिर सोचा कि आपको जान से मार दूं, शायद फिर मेरे दिल को सुकून मिले, लेकिन वो भी कम लगा। मैं चाहता था कि आप भी मेरी तरह हर रोज तड़पे, इसीलिए मैंने आपकी बेटी हुमैरा के साथ प्यार का नाटक किया और उससे निकाह किया। लेकिन वो नाटक हकीकत में बदल गया। जिन जख्मों को वक्त नहीं भर पाए उन्हें मोहब्बत ने भर दिया। अब हुमैरा मेरी जिंदगी है और अगर मेरी जिंदगी की पल को फरास हो गया तो भला मैं खुश कैसे रह पाऊंगा। इसलिए चाहकर भी मैं आपको और दर्द नहीं दे सकता, तो बस सिर्फ हुमैरा की खातिर मैं आपको आपके गुनाहों की माफी देता हूं। मैंने तो आपको माफ कर दिया सिद्दीकी साहब, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप खुद को कभी माफ कर पाएंगे। तुम सही कह रहे हो हैदर, हमारे गुनाह इतने संगीन हैं कि अगर अल्लाह भी हमें माफ कर दे फिर भी हम अपने आप को माफ नहीं कर सकते। हमने एक मासूम की जान ली है, एक बच्चे को अनाथ किया और मैंने उस बच्चे के सर से उसके बाप का साया छीन लिया। सत्रह साल पहले हमने राशिद से अपना एक गुनाह छुपाने के लिए गुड़िया फैक्ट्री में आग लगवाई थी। राशिद मियां बेकसूर थे,
लेकिन हमने उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी गलती की वजह से एक बेगुनाह की जान गई है। असल में उस मासूम की मौत आग लगने से पहले हो चुकी थी। वो मासूम और कोई नहीं, तुम्हारी अमित थी।